दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे हमारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बोलेरो है, बोलेरो पिकअप ऑल मॉडल, जो जूना मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, ब्रेडलाइनर कंपनी का गाड़ी है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे गाड़ी आप उठाते हैं, जैसे ही ये क्लच छोड़ते हैं, तो ऐसे धड़ करती है, पूरी गाड़ी वाइब्रेशन होती है। और जब एक बार पिकअप ले लेती है तो एकदम बढ़िया चलती है। तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो देखिए, ओल्ड मॉडल है गाड़ी का, सादे इंजेक्टर लगे हुए हैं, ऑल मॉडल गाड़ी है ये बोलेरो पिकअप। तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हम लोग इसका क्लच प्लेट डाल रहे हैं, तो क्लच प्लेट से प्रॉब्लम आता है। तो क्लच प्लेट खोल के हम लोग आपको दिखाएंगे। उसके लिए ये सब पूरा खोलना पड़ता है, पूरा कवर ववर सब। तो देखिए, वो गियर डंडा जो रहता है, गियर का लीवर, उसको भी पूरा बाहर काटना पड़ता है और नीचे से भी खोलना पड़ता है, तब जाके इसका गियर बाहर आता है। ले लें दोस्तों, इसका तो बहुत हार्ड गियर है, हेवी भी है। इसका जो गियर आता है वो बीड़ का आता है, वो हम आपको दिखाएंगे खोल के, उसका क्लच प्लेट कैसा है और गया है या नहीं गया है, प्रेशर प्लेट कैसा है, वो हम आपको खोल के दिखाएंगे। वो देखो, ये खोल रहे हैं सब मुजफ्फर भाई, खोल रहे हैं। ऑल मॉडल गाड़ी है दोस्तों, तो चलिए हम आपको सब खोल के दिखा दें, क्लच प्लेट कैसा है निकलेगा, क्लच प्लेट कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, वो हम आपको खोलने के बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने गियर इसका उतार दिए, अब हम क्लच प्लेट खोल रहे हैं। मुदस्सर भाई इसका क्लच प्लेट खोल रहे हैं। ये देखिए, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, देख सकते हो आप दोस्तों, ये मुदस्सर भाई है। इसका ये ऊपर जो दिख रहा है वो प्रेशर प्लेट है। अब क्लच प्लेट खोलने के बाद पता चलेगा। इसको खोल रहे हैं हम, ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आज हम लोग को ज़्यादा काम था, इसीलिए ये गाड़ी में थोड़ा लेट हो गया है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों।